वेलकम बैक भक्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के इस एपिसोड में। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और एपिसोड, एक और वीडियो, जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे आप अपनी पति को या फिर आप अपने प्रेमी को कैसे एक कागज के टुकड़े से वश में कर सकते हैं। जी हाँ, बेहद आसान तरीका है ये करने के लिए। आपको देखना होगा हमारा पूरा वीडियो लास्ट तक। जी हाँ, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे कि आपका ये उपयोग काम करेगा सिर्फ 2 घंटे में। 2 घंटे के अंदर अंदर आप अगर अपने पति से या फिर अपने प्रेमी से कोई बात मनवाना चाहती हैं तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 2 घंटे के अंदर अंदर आपके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। आपका प्रेमी आपकी हर बात मानेगा। आपका पति अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो वो तुरंत आपकी बात सुनेगा। आइए आपको बताते हैं ये उपाय। तो इससे पहले लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जी हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। बेहद आसान उपाय है, आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसको करना है। इसके लिए आपको बस एक कागज की जरूरत है और आपको पेन की जरूरत है। जी हाँ, इससे आप एक कागज पर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी कुछ काली मिर्च के दानों की। जी हाँ, काली मिर्च के दाने से आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काली मिर्च से आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। आपको बहुत सारे दाने नहीं लेने हैं, आपको बस गिन के लेने हैं 7 दाने। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काली मिर्च के 7 दाने लिए हैं और अब मैं आपको ये उपाय करना बताती हूँ। किस तरह से आप एक कागज पर काली मिर्च के 7 दाने रख दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस कागज पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। जी हाँ, ऐसे इस तरह से आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए और आपको लिखना है अपने प्रेमी का नाम या अपने पति का नाम। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप लिख दीजिए अपने पति का नाम और प्लस का साइन बनाइए और उसका उस पर काली मिर्च को ऐसे रख दीजिए और इस तरफ बनाइए आप अपना नाम। तो जैसे कि ये मैंने लिख दिया आपका नाम, यहाँ पर आपको अपना और अपने पति का नाम लिखना है इस तरह से। उसके बाद आपको जब आपने ये दोनों चीजें लिख दी, आपको नीचे लिखना है ओम कामदेवाय वश्यम गुरु स्वाहा। जी हाँ, इस तरह से आप इस मंत्र को यहाँ पे लिख दीजिए और काली मिर्च के दानों को इसमें से उठा लीजिए। आप अपने हाथ में रखिए काली मिर्च के दानों को इस तरह से और मंत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक कागज पे मंत्र लिखा है, इसी तरह से आप भी मंत्र को लिख लीजिए। यहाँ पर आपके पति का नाम, यहाँ पर आपका नाम, बीच में जमा का चिन्ह और नीचे ये मंत्र। मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। कुरु स्वाहा है, ओम कामदेवाय वश्यम कुरु स्वाहा। जी हाँ, अब हाथ में आपने रखी है 7 काली मिर्च, गिन के देखिए, पूरी 7 काली मिर्च होनी चाहिए। आपको ये उपाय करना है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ 2 घंटे में काम करता है, तो आपको उसी हिसाब से इसको करना है। आपके पति देव अगर शाम के समय घर पर आते हैं ऑफिस से, तो आप उससे 2-3 घंटे पहले इस उपाय को कीजिए, ये सबसे ज्यादा काम तब करता है। तो आप इसे दोपहर के समय कर सकती हैं। दोपहर के समय जब सब लोग सो जाते हैं, अगर आपके घर में लोग हैं जो कि जागते रहते हैं, तो दोपहर के समय ज्यादातर लोग सो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, दोपहर के समय इसे करना है। उसके बाद आप शाम को जब आपके पतिदेव आपके घर आए वापस ऑफिस से, तो आप ये काम पूरा खत्म कर सकती हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपने काली मिर्च के दाने लिए, इनको आपको, इस मंत्र को आपको पढ़ना है 55 बार। जी हाँ, बहुत ज्यादा बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ 55 बार इस मंत्र को पढ़िए और उसके बाद आपको काली मिर्च को इस मंत्र के इसके ऊपर, जहां पर आपने अपने पति का नाम लिखा है वहां पर आपको ऐसे रख देना है। तो हर बार आपको मंत्र पढ़ना है, काली मिर्च को उठाना है, हाथ में रखना है, फिर यहाँ पे रख देना है। इस तरह से आप 55 बार कीजिए। 55 बार में आपका जो ये कागज है ये पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, काली मिर्च लेनी है इसमें से
और इसमें से सारी काली मिर्च नहीं लेनी है आपको, 5 काली मिर्च लेनी है। और जब आपके पति घर वापस आए तो आप उन्हें कोई चाय में या फिर किसी खाने की चीज में आपको ये काली मिर्च कूट के डाल देनी है और उन्हें खिला देनी है। और 2 काली मिर्च के साथ आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 5 काली मिर्च आप अलग रख दीजिए जो आपको अपने पति को खिलानी है, चाय में डालकर या फिर खाने की चीज में, सब्जी में, किसी भी चीज में डाल के आप उन्हें खिला सकती हैं। 2 काली मिर्च का आपको क्या करना है, जब आपका काम पूरा हो जाए, जब आप उन्हें खिला दें, उसके बाद आपको रात्रि में 2 काली मिर्च इस कागज के अंदर ही इस तरह से मोड़ देनी है। यानी कि जब आप मंत्र कर चुकी होंगी उसके बाद आप इस कागज को इस तरह से मोड़ दीजिए, इसके अंदर काली मिर्च है। अब आप इस काली मिर्च को अपने बिस्तर यानी कि रात को जब आप सोएं तो अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएं। सुबह उठने पर आपको इसे पानी में प्रवाहित करना है। जी हाँ, आपके घर के आसपास कोई भी पानी का स्रोत हो, जल का स्रोत हो, आप वहां पर जाके इसे प्रवाहित कर दें। जल का स्रोत नहीं मिलता है अगर आपको, तो आपको बेहद आसान तरीका है। क्या करना है, आपको अपने घर के पास में कोई भी ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर आपको कच्ची मिट्टी मिल जाए, मतलब कि पक्का फर्श ना हो, जहां पे मिट्टी हो, जो कोई पौधा हो या फिर कुछ भी हो, वहां पर आपको कागज में से काली मिर्च निकालनी है और मिट्टी में दबा देनी है। और इस कागज को आप मोड़कर आप या तो फिर अपनी अलमारी में रख लें। अगर आप अलमारी में नहीं रख सकती हैं, अगर आपको लगता है कि कोई देख लेगा, कोई आपसे पूछेगा कि इस मंत्र का क्या मतलब है, आपने इसका क्यों इस्तेमाल किया, तो आप क्या कर सकती हैं कि इस कागज को आप पानी में बहा दीजिए। जी हाँ, सबसे अच्छा तरीका है, आप इसे पानी में बहा सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर पानी का स्रोत नहीं है तो फिर आपको क्या करना है कि इस कागज को आपको घर में ही किसी भी बर्तन में या फिर किसी भी जग में आप पानी लें और उसके अंदर इसको डाल दें। जब ये इसके अंदर का जो मंत्र है वो जब धुलेगा पानी से, तो जैसे जैसे पानी से धुलता जाएगा आप देखेंगे आपके जो पति हैं वो आपकी हर बात मानेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा आजमाया हुआ नुस्खा है, आजमाया उपाय है। बाबा जी ने इस उपाय को पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ किया है और उसको उन लोगों को इसका फायदा भी पहुंचा है, तो आप भी इसे कीजिए और हमें जरूर बताइए हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको इसका कितना फायदा हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही भक्तों, अगले वीडियो में बताएंगे आपको कोई नई जानकारी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।